काहे नहीं एगो ऐसा गेम खेली जेकरा में तलवारों बा, जेकरा में तीर धनुषो बा, जेकरा में अजब अजब तरीका के जादुओं से मार सकता नहीं, और जेकरा में कोई लिमिटेशन ना रहे कि हम तलवारे से खेलें तो तलवारे से खेला, जादूगर बारा तो जादूगरे रहा, चोर बारा तो चोरे रहा, ऐसा एगो गेम बा। गेम के नाम बा द एल्डर स्क्रॉल स्काइरिम। स्काइरिम ओकर पांचवा पार्ट बा, अब बहुत जल्द ओकर छठा पार्ट भी आई, एकर अनाउंसमेंट हो गई बा। विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट आवर द एल्डर स्क्रॉल स्काइरिम का फर्स्ट वीडियो। स्काइरिम एक बहुत ही जबरदस्त गेम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पैरेलल स्टोरीज के साथ चलने वाला थेट्सा गेम स्टूडियो, जिसको अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है। तो जैसा हम देख सकते हैं, मुझे लगता है हम एक रथ पर सवार हैं और मेरे साथ कुछ प्रिजनर्स भी हैं। स्काइरिम जबरदस्त, 10 साल पुराना होने के बावजूद एक जबरदस्त गेम। आई थिंक मैं भी एक प्रिजनर हूँ, हम भी एक प्रिजनर हैं और कुछ प्रिजनर्स के साथ हमें कहीं ले के जाए जा रहे हैं, शायद कहीं सजा देंगे। हाँ भाई, right? Walked right into that imperial ambush, same as us, and that thief over there. Damn you, Stormcloaks! Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. They hadn't been looking for you. अच्छा, तो स्काइरिम एक जगह का नाम है जहाँ पर एम्पायर है और स्टॉर्मक्लॉक्स एक रेबेलियन ग्रुप है। स्टॉर्मक्लॉक्स ही एम्पायर वांट्स। एम्पायर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और एक चोर है तो पकड़ा गया। Shut up back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric. Oh, रेबेलियन का राजा यही है, उल्फ्रिक स्टॉर्मक्लॉक। You, oh gods, where are they taking us? I don't know where we're going. यानी मुझे भी वो एक रेबेलियन समझ रहा है। General Tullius, sir, the headsman is waiting. Good, let's get this over. General Tullius के पास हम कटाने जा रहे हैं। Sure, Tullius, the military governor, and it looks like the Dalmor are with them. Damn elves, I bet they had something to do with this. General Tullius. ये राजा का जनरल है, जनरल तुलियस, इसके पास हम लोग को सजा देने के लिए लेके जाया जा रहा है। अब मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे एक रेबेलियन के किंग के साथ पकड़ लिया गया और इस रेबेलियन स्टोन क्लॉक्स का कहना है कि यही ट्रू हाई किंग है। पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स हुआ पड़ा है। तो हमें रोक दिया गया है क्योंकि अब हमें लेट्स गो, शुडंट कीप द गॉड्स वेटिंग फॉर अस। नो वेट, वी आर नॉट रेबल्स। भाई इन रेबेलियन को कोई डर नहीं है। You've got to tell them. अब इन रेबेलियन को आप क्या कहेंगे, भगत सिंह या आतंकवादी, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा, हमको बुला रहे हो? Who are you? है एडवर्ड नाम है इसका। अच्छा, अब हम कौन है? ओके, अब यहाँ से ये अलग अलग रेसेस है जो मुझे सेलेक्ट करना है कि मैं क्या बन के खेलना चाहता हूँ, और सबका अपना अपना एक क्वालिटी। ओ भाई, ये कैसा रेप्टिलियन रेस है। तो भैया, हमने ऐसा एक जबरदस्त करेक्टर बना लिया है, ठीक है, मस्त लग रहा है, स्टाइलिश भी है, खतरनाक, खूंखार सब लग रहा है। Hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne.
You started this war. तो भाई जनरल तुलियस स्टॉर्मक्लॉक उल्फ्रिक स्टॉर्मक्लॉक को बोल रहा है कि भैया तुम ही ये सब वॉर स्टार्ट किए, अब तुम्हारा। ओ भाई ये कैसा आवाज है? What was that? It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. अबे बड़ा निर्दयी तरीके से यार मार रहा है। ओ भाई यही रखे हुए सीधे उड़ा देगा। नहीं। अरे माता की। You Imperial bastards! आह! Justice! Death to the Stormcloaks! As fearless in death as he was in life. Ulfric Stormcloak. Next, the renegade from Cyrodiil. क्या आवाज है भाई? Here it is again. Did you hear that? I said next prisoner. To the block prisoner. कौन है next prisoner? Nice and easy. ओ हमें। अरे भाई। क्या? नहीं। ओ भाई साहब क्या क्या उतरी? What in oblivion is that? Sentry. What do you see? अरे भाई ये तो ड्रैगन है। कसम से गेम ऑफ थ्रोन्स हुआ पड़ा है। पूरा तूफान तबाही मच चुका है। इसमें लगता है हम बच जाएंगे। कहाँ जाए? अच्छा इसके साथ रेबेलियन था ये। नहीं नहीं ये राजा था। ये ऊपर जाना है। Up the stairs, quickly. चलो भाई अबे ये हम कहाँ गिर गए? अरे हाँ भाई चलो भाई ले चलो जहाँ ले जाओ। पूरा हर जगह ड्रैगन आग लगा के तबाही किए हुए हैं और पता नहीं क्यों आया है, कहाँ से आया है, इन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा कोई ड्रैगन है। लेकिन इसका हल्ला उड़ा हुआ था। स्काइरिम में ड्रैगन आ सकता है, हजारों साल पहले भी ड्रैगन। ओह और यही है। भाग 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 भाई। अरे हम हमें ऐसा कब बनेंगे भाई? क्या कूल लग रहा है। ओ तेरी। ओ गजब। अरे मेरे को भी ऐसा जादूगर बनना है रे मामा। ओ तेरी। अरे पकड़ ना। अरे भाग 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 भाग। अरे कहाँ जाना है? अरे चल भाई कहाँ जाना है? या तो यहाँ जाएंगे या तो यहाँ। किसके साथ जाएं? इसके साथ जाएं या इसके साथ जाएं? इसके साथ चलो। तो आखिरकार हम अंदर आ चुके हैं और अब देखते हैं गेम हमें कहाँ लेकर जाता है। अभी तक तो काफी मजेदार ड्रैगन से बचते हुए अंदर आ गए हैं और उल्फ्रिक स्टॉर्मक्लॉक के ग्रुप में हम शामिल हो चुके हैं। दो ऑप्शन था, या तो हम इंपीरियल्स के साथ जाएं यानी राजा के साथ जाएं, या तो रेबेलियन यानी उल्फ्रिक स्टॉर्मक्लॉक के साथ जाएं। तो हमने भगत सिंह बनना स्वीकार किया है, अंग्रेज
द इंपीरियल रूल के खिलाफ। अच्छा अब यहाँ पर हम इन्हें सर्च कर सकते हैं जिसमें हमें एक्स मिला है, और एक्स आप जैसे कि देखो यहाँ पे डैमेज जीरो है और ये एक्स का डैमेज 9 है, यानी अभी हमारा डैमेज जीरो है क्योंकि हाथ में कुछ नहीं है, और ये आते ही हमारा डैमेज बढ़ जाएगा। और ये लाइट आर्मर है, यहाँ पे लाइट आर्मर है ना, इसको लगा लेंगे तो लाइट झींगा लाला यानी 23 आर्मर बढ़ जाएगा। बूट्स है, ठीक है ये भी लगा लिए, भाई को नंगा कर दिया। ये तो मुक्का है। अच्छा टैग दबाने से था, ठीक है इधर आए, ये पहन लिए, इसको फेंक दिए, इसको भी फेंक दिए। अब हमारा कैरी वेट भी यहाँ पर है, हम 300 वेट उठा सकते हैं, इसलिए जो जरूरत का सामान है वही पहनेंगे। और ये पहन लो भाई, वेरी गुड। अब एक्स आ चुका है। अच्छा आओ दीदी, आओ मेरा एक्स तैयार है आपके लिए। हो जाए भारत माता की, सीधे उसको ही मारो, ठीक है। आजा आजा आजा, तू कहाँ गया। चलो किसी के पास चाबी होगा, ठीक है भैया निकाल लो चाबी, कि मुझे निकालना है। रेलो भाई, अच्छा तुम ही निकालना। अच्छा इसका उसको सर्च करो। ओ भाई हेवी आर्मर, अच्छा ये ब्रेसेस लगा लो, सॉर्ड ये भी उठा लो, डायगर ये भी उठा लो। ये अगर हेवी लगाएंगे तो आर्मर तो ज्यादा है लेकिन हम स्लो हो जाएंगे, तो हम फास्ट रहना चाहते हैं। चलो अच्छा माउस कॉल करने से दूसरा आएगा क्या। अरे वाह ये हूं मैं, ये देखो वेरी गुड। चलो वेपन्स, अच्छा चलो अब तलवार से खेलते हैं, क्या बात है। चलो कहाँ जाना है, चलो भैया ओ भाई ड्रैगन अभी भी ऊपर है। हाँ ठीक है, कोई बात कर रहा है, ये रहा तुमको ही मारूंगा। वन हैंडेड इंक्रीज टू 21, यानी हमने वन हैंड से फाइट किया है तो ये एक हमारा स्किल हुआ जो कि इसका लेवल अप हो गया है। अच्छा ये सब क्या है, पोशन और पोशन ऑफ माइनर हीलिंग, ठीक है इसको उठा लिए। ओ भाई उठती थी, क्या जादू मार रहा है भाई, अरे मारना किसे है, अरे ये मारो इससे मारो, क्या बात है गर्दा, इसका जादू मुझे मिलेगा, इसका जादू नहीं मिला। ओ तेरी ग्रेट सॉर्ड, ये क्या है, ये उठाएं ग्रेट सॉर्ड, और इसमें क्या है आयरन मेस, ग्रेट सॉर्ड उठाएं, ये था ना। ओ लेफ्ट और राइट दोनों आइकन है, एल और आर, यानी ये दोनों हाथ में रहेगा, क्या बात है। अरे भाई साहब बड़ा वाला तलवार, ग्रेट सॉर्ड, माइट नीड दैट गोल्ड वंस वी गेट आउट, ग्रैब एनीथिंग यूजफुल एंड लेट्स गो। अच्छा ये कैसे अनलॉक होगा, ओ अच्छा अच्छा ये मुझे आता है, ये थोड़ा इधर घुमा के होगा ना टूट जाएगा, टूट रहा है, हाँ खुल गया, क्या बात है भाई, इसको पहले तू अंदर रख दे। ओ ये पीछे रख रहा है, जबरदस्त मीज जादूगर, पैसा मैजिका हुड इंक्रीज योर मैजिका बाय 30 पॉइंट्स,
मैजिका रीजनरेट 50% फास्टर। अच्छा, यानी जो भी मैं जादू यूज करता हूँ तो उसमें मैजिका यूज होता है, वो टाइम टू टाइम रीजनरेट होता है। तो अगर ये ड्रेस को पहनेंगे तो उसका रीजनरेशन का स्पीड 50% बढ़ जाएगा। अभी रख लेते हैं, हुड में भी वही है। अच्छा, स्पेल टॉम स्पार्क्स, क्या है ये सब तो पैसा है, क्या था ये? अच्छा, जो किताब है वो मेरा बुक्स में होगा, ठीक है। लाइटनिंग, ओ वही जादू, जो जादू से मार रहा था वही। अब इसे कैसे हम पढ़ें? अच्छा, ई से यूज। यू हैव लर्न न्यू स्पेल स्पार्क्स। स्पार्क्स को कहां रखें? ये रहा मैजिक मिलर। डिस्ट्रक्शन, रिस्टोरेशन पावर, एक्टिव इफेक्ट्स, ऑल में जाते हैं। फ्लेम मेरे पास पहले से है, हीलिंग स्पार्क्स। अच्छा, स्पार्क्स को मैंने रख लिया। अब ओ, एक हाथ में तलवार आ गया और एक हाथ में जादू। राइट क्लिक करूंगा तो, लेफ्ट क्लिक किया तो चाकू मतलब तलवार, तो इसे क्या उनको तो जादू आएगा क्या? जबरदस्त, चलो। जनरल तुलियस का आवाज आया है, मतलब यहाँ कोई है। ये देखो मैप में भी देखो, दो रेड रेड डॉट, ये रहा। अरे आर्चर, अरे ये तो रहा मेरे पास। ओरे पाइसा, मैजिक का लो हो गया है, कोई बात नहीं, इसी से मारते। इधर भी कोई था ना आर्चर? ओ भाई, आर्चर तीन मारे मारा पूरा। और भाई, दो दो आर्चर है, मैजिक का खत्म हो चुका है, अब तलवार से ही मारना पड़ेगा। चलो, अरे लग गया तलवार। अरे एक मिनट, यहाँ पे किरासन तेल फेंका हुआ है। रुको, मैजिक लाओ। मैजिक में फ्लेम्स था, फ्लेम्स लगाओ और इस किरासन तेल में आग डाल देते हैं। जल गिर जा, दोनों जल जा। जल गया एक, जल गया एक, जल गया एक, बचा हुआ है एक, बचा हुआ है एक, बचा हुआ है। इसको मैं आग से मारूंगा। मर जा आग से, मर जा। ओ, मेरा मैजिक का खत्म, लेकिन ये मर चुका है। अरे इसको सर्च करो भैया। अरे एरो मिल गया। ओ चलो, अब कुछ देर तीर धनुष वाला काम हो जाए। हीरा लॉन्ग बो, अरे क्या बात है, क्या बात है, तीर धनुष। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है बाय द वे, इसके बाहर जाती है लगता है ओपन वर्ल्ड हो जाएगा। हैं मकड़ा, और बापरे, अरे भाई साहब ये तीर धनुष से नहीं हो पाएगा, अभी स्टेमिना इज लो। अब मुझे अपना जादू निकालना पड़ेगा और तलवार। ग्रेट स्वॉर्ड लेके चले नहीं तो, चलो यही लेके चलते हैं, इसका रेंज ज्यादा होगा। ये मर जा। पॉइजन, मुझे पॉइजन लग गया, मर जा। ओ ग्रेट स्वॉर्ड का तो अपना मजा है, अपना मजा है भाई, क्या बात है। क्या कोई भालू सोया हुआ है क्या? भालू से लड़ता है। क्या? अरे ग्रेट स्वॉर्ड के अपने मजे हैं, स्टैमिना एक बार में खत्म हो जाता है, लेकिन एक बार मारता है ना हिल जा रहा है सब। अच्छा, अब हम लोग बाहर के रास्ते में आ गए, हेलजन कीप से बाहर आ गए, और आई थिंक अब इसके बाद हम एक ओपन वर्ल्ड में आ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है आपको इस चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं स्काइरिम के असली दुनिया में, यानी कि एक ओपन वर्ल्ड में। टिल देन कीप लविंग Zordix गेमिंग। Ha ha ha.